नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर से चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना अपना पैर पसार रहा है, फिर से जिस तरह से तमाम केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं, लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। और कोरोना में किस तरह से ध्यान रखा जाए, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा जाए कि कोरोना हम पे हावी ना हो पाए, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनीता द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद आपका। मैम, जिस तरह से कहीं कहीं अब केसेस आने लगे हैं कोरोना के, तो लोगों में एक डर भी आ रहा है कि कहीं कोरोना की अगली वेव ना आए। तो क्या एक इशारा है कि कोरोना की अगली वेव आने वाली है, जिस तरह से कहीं कहीं केसेस आ रहे हैं और बच्चों में ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता ये कोरोना की वेव आएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना जो है फिर से स्टार्ट हो गया है, केसेस आने लगे हैं। और ये स्टडी करनी पड़ेगी कि जो केसेस आ रहे हैं वो पुराने वेरिएंट के हैं कि किस कोई नया वेरिएंट है या म्यूटेशन हुआ है किसी तरीके से। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि 2 साल हमको कोरोना बीमारी को झेलते हुए हो गया है, और इन 2 सालों में हम बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं और बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, क्योंकि ये वायरस जो है डे बाय डे जो है नए रूप में आ रहा है और उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वही अगर मैम बात करें कि कोरोना से बचाव की, हाँ, जो सबसे बच्चों में ज़्यादा है, तो बच्चों की इम्यूनिटी का खासा कैसे ध्यान दिया जाए, बच्चों को क्या कुछ दवाइयाँ या फिर खान पान में क्या कुछ दिया जाए जिससे बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित किया जाए? जी, कोरोना महामारी में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया गया है, इम्यूनिटी शब्द पे। इम्यूनिटी जो है वो हमारे अंदर की एक पावर है जो बाहर से आने वाले, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। और देखा गया है कि जो बूढ़े हुए और बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वीक रहती है, कम रहती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल और खान पान का जो एरिया है वो बड़े लोगों के हिसाब से अलग होता है, इसीलिए उनका इम्यूनिटी लेवल भी अलग होता है। तो उसको और अफेक्ट जो उनकी इम्यूनिटी होती है वो एनवायरनमेंट, बाहर के वेदर से हमेशा जो है वो बदलती रहती है। तो हमें इसीलिए उनकी इम्यूनिटी के लिए खास जो है प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ताकि उनकी देखरेख भी अच्छी करनी पड़ेगी, उनका खान पान किस तरीके से खिलाया पिलाया जाए, उनका हाइजीन मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाए, ये सब कुछ हमको एक पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को बचा पाएंगे। अगर बात महिलाओं की करें, तो महिलाएं आज के वक्त में कई ऐसे भी बीमारियों से झेलती हैं, एनीमिया सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, वर्क के साथ साथ वो घर भी संभालती हैं, देखिए उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लेना होगा? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से घटती है। इम्यूनिटी को जैसे मैंने बता चुकी हूँ कि ये हमारी इंटरनल पावर है जो कि बाहरी तत्वों से लड़ने का काम करती है। अब ये इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए 5 चीज़ें होती हैं। एक हमारा खान पान जिसमें फूड आता है, फिर हमारा इनटेक ऑफ वाटर, कितना हम पानी लेते हैं, किस उसके बाद हम रेस्टिंग पीरियड कितना होता है, हम कितना रेस्ट करते हैं, किस प्रकार का हम रेस्ट करते हैं, फिर कितना मतलब हम फिजिकल वर्क करते हैं, कितनी हम धूप लेते हैं, और किस तरीके से हमारा सोने उठने बैठने का प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी पे अफेक्ट करती है। फूड में हमारे जो है इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है, जितने भी सीट्रस फूड्स हैं, फाइबरस फूड्स हैं, नट्स हैं, मसाले हैं, जितने ज़्यादा हम फाइबर की चीज़ें लेंगे, सलाद लेंगे और सिट्रस फूड जैसे नींबू है, संतरा है, कीवी है, और फिर जो नट्स में आ जाते हैं आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस जो हमारे घर में होती हैं, दालचीनी है, हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, इन चीज़ों का सेवन जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। केवल खाना ही नहीं, पानी भी है। पानी आप जैसे अगर आप खाना अच्छा भी लेते हैं, अगर पानी नहीं लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है। कम से कम 5 से 6 लीटर पानी हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अब जैसे आपने महिलाओं के लिए कहा, तो महिलाएं जो हैं
फिजिकल वर्क तो करते हैं लेकिन उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, सोने का टाइम उनका कम होता है, बच्चे और परिवार में वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपने खुद के खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते हैं जी। तो इस वजह से उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होती है। और हम देखते हैं कि गाँव में बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा कि गाँव में शहरों से ज्यादा एनेमिक पेशेंट मिलते हैं जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खाने पीने में जितनी भी आयरन वाली चीज़ें हैं उनको लीजिए। ये नहीं, आयरन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है महंगे फूड चीज़ें लीजिए। हमारे यहाँ गुड़ है, चना है, जो गांव में इजली अवेलेबल हो जाता है, और खजूर है, ये भी बहुत इजली मिलता है, तो इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। फिर जो प्रोग्रामिंग हो रही है गवर्नमेंट प्रोग्रामिंग में, आयरन की गोलियां जो है किशोरी बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में, आप उसे भी ले सकते हैं जी। अगर बात किया जाए, ये तो हो गई खाने पीने की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले विटामिन की प्रॉब्लम है, कोविड के दौरान तमाम तरह की A to Z और कई तरह के विटामिन सी दिए गए थे, तो ऐसे में पहले से प्रिकॉशनली कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको लेना चाहिए, और जो ओवरडोज भी ना हो, एहतियातन जिसको पहले से लेना शुरू कर देना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, अगर अगली वेव आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आप जितना नेचर के साथ रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और मेडिसिंस मतलब ये है कि आपको कोई दिक्कत हो तभी आप मेडिसिंस लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो उसको अननेसेसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खान पान अच्छा रखिए, और जो हमारी प्रकृति ने हम लोगों को सब कुछ दिया है जी। मेरे हिसाब से आप लोग अपना डाइट अच्छा रखिए, और अगर आपको लगता है कि आप डाइट से आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है फुलफिल नहीं हो रही है तो आप ले सकते हैं। पोस्ट कोविड क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पोस्ट कोविड वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सिम्टम्स आए थे जी। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो आपको सांस लेने में या जल्दी थक जाना, कमज़ोरी आना, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हफ जैसे बोलते हैं सांस चढ़ना सीढ़ी वीढ़ी पे, और दूसरा जो है हमारी इम्यूनिटी जो है जब एक बीमारी से लड़ती है तो वो इतनी वीक हो जाती है कि उसको रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उसको रिपेयरमेंट के लिए यही है कि आप वही चीज़ें फॉलो करिए, अच्छा खाना लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हम देखते हैं इंडिया में भी अब कम हो गया है, लोग बाहर निकलना और धूप लेना बहुत कम कर दिए हैं जी। हमारे लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से कैप्सूल्स या टैबलेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए, धूप लीजिए, इससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। डॉक्टर, अभी आपने बात करी मॉर्निंग वॉक की, तो जो आज के वक्त में लोग बिजी शेड्यूल के चक्कर में एक्सरसाइज पे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, तो एक्सरसाइज कितना ज़रूरी हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक्सरसाइज हो, वो कितना ज़रूरी है? फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, केवल कोरोना के लिए ही नहीं, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी बीमारियां जो लाइफ से रिलेटेड हैं, ये सब कुछ जो है एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। अपना वेट जो है आजकल देख रहे हैं आप शहरों में बहुत ज़्यादा हैवी वेट के, हाँ वेट की प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। और मेरे कहने के मतलब जिम और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज से अच्छा है आप वॉक करिए, वॉक में आपकी सारी नीड जो है वो पूरी हो जाती है। वही अगर बात किया जाए इस वक्त सीजनल बीमारी की, तो मौसम बदल रहा है, तेज़ धूप हो रहा है, थोड़े वक्त बाद बारिश भी आएगा, तो लोगों को सीजनल बहुत दिक्कतें होती हैं, तो जो सीजनल बीमारियां हैं वो कोविड से कितना रिलेट करती हैं? सीजनल इन्फेक्शन खांसी बुखार कितना कमज़ोर कर देता है कि कोविड के जो वेरियंट हैं और जो भी कोविड के नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं उसका इफेक्ट होने होता है? ये केवल कोविड पर ही नहीं डिपेंड करता, जब एक वेदर से दूसरा वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है नेक्स्ट वेदर के अकॉर्डिंग। तो जब आप किसी दूसरी जगह बिजी रहते हैं तो एक साइड जो है आपका कोना खाली हो जाता है, तो क्या इस टाइम में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है जी।
अब जब आपका इम्यूनिटी वीक हो गई है तो जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो आप पे अटैक करते हैं, तो ऐसे टाइम में आप जो है अपने खान पान का और सोने बैठने का अगर शेड्यूल नॉर्मल रखते हैं तो बहुत से बीमारियों से आप बच सकते हैं। केवल उसके लिए कोरोना ही नहीं है, जैसे नॉर्मल फ्लू है, आपने देखा होगा कि हर चेंजिंग वेदर में, अब पहले तो बहुत कम लोगों को फ्लू होता था, लेकिन अब देखते हैं मैक्सिमम लोग जो है चेंजिंग वेदर में फ्लू या जैसे हिस्सा इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन अभी देखा है आपने, अभी समर में आइए तो समर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। वही अगर बात किया जाए छोटे बच्चों की, तो इस बार छोटे बच्चे जो स्कूली बच्चे, फोर्थ क्लास के बच्चे, उनमें भी मैम अभी गाजियाबाद के कुछ स्कूलों में और नोएडा के कुछ स्कूलों में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो जो बच्चे बचपन में होते हैं वो बहुत नखरे करते हैं, वो जनरली खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए किस तरह के मेडिसिन या फिर किस तरह के ऐसे खाना उनको दिया जाए जो इंटरेस्ट से खाएं भी और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी रहे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस वेव में। बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि जो है बच्चे टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो फ्रीक होते हैं, उनको जो उनको टेस्ट है वही करें, तो आप इस तरीके से खाना, मतलब मदर्स को चाहिए इस तरीके से कुकिंग करें कि जो उन बच्चों को जो इंटरेस्ट हो उसी तरीके से दे और उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे अगर बच्चे मसालेदार खाना बहुत पसंद करते हैं तो आप दाल है, सब्जियाँ हैं, या देखिए आप आटा है उसमें आप पालक, चुकंदर, गाजर, इसको मैश करके और उसको मतलब टेस्टी कचौड़ी पकौड़ियाँ ऐसे बना के जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस ये आपके आपकी कला होनी चाहिए कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन भी दे दें बच्चों को और उनके टेस्ट भी दे दें, फूड भी मिल जाए, ये तो मदर की आर्ट कहूँगी मैं। मैम स्कूल और एक डॉक्टर को होने के नाते से मैं एक बात जानना चाहूँगी आपसे, अभी बच्चों को पॉजिटिव जैसे आना शुरू है, हालांकि टेस्टिंग शुरू हो रही है, बूस्टर डोज दिया जा रहा है, तो बूस्टर डोज लगने के बाद कितने इफेक्टिव है, जिनको बूस्टर डोज लग चुका है उनको कितना कम चांसेस है कोरोना होने के, क्योंकि हाल ही में चीन के संघाई में देखा गया कि वहाँ पे वैक्सीन लगने के बाद भी जिस तरह से वहाँ पे वेव आई, लोगों के हालात हैं, तो अगर बात हम इंडिया की करें अपने कंट्री की, तो कितने इफेक्टिव है जिनको बूस्टर डोज लग गया है, कितने कम चांसेस है कि उनको कोरोना के जो भी नए वेरिएंट आएंगे उसमें के शिकार में वो नहीं आएंगे। इंडिया में वैसे भी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा माना गया है और वैक्सीन तो लगवाना बहुत ज़रूरी है, वैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, अभी देख रहे हैं आपकी 12 से 14 साल के बच्चों को भी लग रही है और मेरे ख्याल से 5 से 12 साल की भी वैक्सीन आ गई है जो एक या दो हफ्ते में लगना चालू हो जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा मैसेज पेरेंट्स को कहूँगी कि किसी तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों की डाइट अच्छा रखिए, उनका हाइजीन मेंटेन रखिए और जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको भी सिखाइए, और वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन आपके प्रोटेक्शन के लिए है, जितना ज़्यादा हो सके आप वैक्सीन लगाइए, चाहे आप गाँव में रहते हैं शहर में रहते हैं, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, ये जी एक कवरिंग है आपके प्रोटेक्शन की, कवरिंग है जो आपको सुरक्षित कहीं ना कहीं एक लेयरिंग करेगी आपकी बॉडी। मैम अगर बात करें जो फ्लाइट्स की, तो काफ़ी वक्त बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब खोली गई हैं, तो क्या कोई खतरा है किसी और कंट्री से कोई नया वेरिएंट आने का, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद अब सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी गई हैं, और बात किया जो कई कंट्रीज़ में कोरोना आ चुका है, वेब आ चुकी है, संघाई में आ चुकी है, तो क्या कोई खतरा है कोई नया वेरिएंट आने का? देखिए ये स्प्रेडिंग तो आप रोक नहीं सकते हैं, बस ये है कि आप इससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोरोना को आप रोकना बहुत मुश्किल है, आप कितना दो साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और डैमेज को आप कम कर सकते हैं। मैं वही सेम क्वेश्चन मैं स्कूली बच्चों के लिए भी लेना चाहूंगी कि जो स्कूल के बच्चे हैं बहुत दिनों बाद उनका स्कूल खुला है, फिर से बच्चों में कोरोना, तो क्या स्कूलों को फिर से बंद कर देना चाहिए कि स्प्रेडिंग बच्चों में ना हो पाए? इस तरीके से तो मैं नहीं कहूँगी बंद करना चाहिए कि खोलना चाहिए, लेकिन ये है कि स्कूलों में आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं ले कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं है, वो मास्क लगाने को तैयार नहीं है, वो सैनिटाइज करने को तैयार इतना ज़्यादा वो मैच्योर ही नहीं है, जब बड़े लोग नहीं इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन ये सब बड़े लोग नहीं कर पाते, तो बच्चों तो
आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मैम कोई एक सजेशन जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी कि जिससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे, अगर अगली वेव आती है तो उससे लड़ने के लिए वो तैयार रहे? सजेशन यही है कि मतलब प्रोटेक्शन बेटर होता है सफरिंग से, तो आप सभी मतलब एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप से ये प्रोटेक्ट नहीं होगी बीमारी, हर एक व्यक्ति को इसके खिलाफ लड़ना होगा। और आप सब इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि आपको करना क्या है, बस ये है कि सिंसियर होके आप जो भी करना है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसको ज़रूर करिए। वैक्सीनेशन लगवाइए, प्रोटेक्शन रखिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। तो ये थी डॉक्टर विनीता द्विवेदी, जिन्होंने बड़ी ही ब्रीफिंग के साथ बताया कि क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए कोरोना के दौरान, और क्या कुछ जो दवाइयां हैं, जो आपके खान पान है, किस तरह से उनको सुधार करना चाहिए कि हम कोरोना से बच सकें। हमारे आज के इस खास सेगमेंट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।